देखिए जी, मेरे 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 शोषण का आरोप लगा, यही मेरे घर बैठ के लगाया है बच्चों ने। 11 तारीख को 2 बच्चे आए थे। पहला मुद्दा उनका ये था कि हमारा स्टेट चैम्पियनशिप में मेडल कट गया, तो मैंने जवाब दिया। फिर उनका जी छेड़खानी का ये ऐसे जो भी है, आध घंटा पौना घंटा बच्चों ने मेरी मिसिज़ के साथ मेरे साथ बात करी, तो मैंने एक चीज़ कही थी, अगर बेटा मैं गलत हूँ तो मुझे मत बख्शना और आप करो जो करना है, ये मैंने उनको जो कहा है। महिला थाने में भी कंप्लेंट देगी थी आपके खिलाफ? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ सर कि फिर ये लोग 3 दिन बाद फिर आए, 3 दिन बाद फिर 6 लड़कियों के आसपास आए, उन्होंने फिर यही काम किया, ये करके फिर वो चले गए। उसके बाद महिला थाने से मेरे पास इंस्पेक्टर मैडम का फ़ोन आया, तो हम गए, तो उसमें काफ़ी आरोप थे, पैसे का भी था, शारीरिक फलाना निकला, जो भी उन्होंने बच्चों ने कहा, पुलिस ने सुनी है, ध्यानपूर्वक सबकी बातें सुनी है, और काउंसलिंग बहुत दी बेस्ट की है उन्होंने। मैंने पहली बार देखा कि पुलिस की काउंसलिंग कैसे होती है, मैं तो इन चीज़ों से दूर रहा। उसमें मेरे ऊपर जो आरोप हैं पुलिस ने मुझे बताए, तो मैंने इंस्पेक्टर मैडम को एक ही बात की थी, अगर मैं दोषी हूँ मैडम मेरा पर्चा काट दो, और आज मेरी अगर जिस आदमी पे दोष लग जाता है उसकी कोई नहीं सुनता, फिर आप मेरा पर्चा काट दो, अगर इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता है इन बच्चों को देखते हो या मुझे देखते हो, मैं आपके साथ हूँ और आपकी कलम से जो होगा वो आप करो, मैं एग्री हूँ उसमें। सेक्सुअल हरासमेंट का भी आप पर आरोप लगाए हैं लड़कियों को छेड़ते थे डिफेंस के बहाने? देखिए जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब तो देखो, जब बात कहीं भी बिगड़ जाती है, पता नहीं बच्चों के मन में क्या आया क्या किया, उन्होंने तो आरोप बहुत कुछ लाया, ये किया, सारा पुलिस स्टेशन पे लगा है, 3-4 घंटे पे पुलिस स्टेशन में रहा, सारी बात हुई है, मेरी मिसेज मेरे भाई सभी लोग मेरे साथ थे, और पुलिस ने उनकी बात सुनी है, मेरी भी सुनी है, मैं कम बोला और कम में मैंने 2-4 ही बात बोली थी जो मैंने आपको बताई है। और इसमें कुछ इनके पीछे जो हैं लोग, अभी इन जो वहाँ से एक माफ़ीनामा भी आया जो आप लोगों को भी मिला है, उसमें मैंने लिखा है मेरा जो पद है, मेरा जो नाम है, जो इन बच्चों के नाम उसमें लिखे हुए हैं, उसमें मेरी तरफ से एक माफ़ीनामा है। देखिए, पुलिस जो समझौता करेगी या किसी बात को लिखित में तो ज़रूर लेगी और लेना भी चाहिए, तो उसमें इतना ही लिखवाया था, मेरे से याद है मेरे को, कि मैं दीपक कुमार लोट इन लड़कियों से कोई वास्ता रखूँगा और मैंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं एक कोच हूँ, गुस्से में डांट भी मार सकता हूँ बच्चे को, थप्पड़ भी मार सकते हैं, ये हमारा दुर्व्यवहार होता है। उस एप्लीकेशन के अंदर, उस माफ़ीनामे के अंदर कोई शोषण की माफ़ी नहीं है, कोई किसी तरह का छेड़खानी की माफ़ी नहीं है, कोई बलात्कार की माफ़ी नहीं है, ऐसी होती तो मैं खुद लिखता नहीं, मैं अंदर जाना पसंद करता। मेरे पास एक कल कंप्लेंट आई थी जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि मैं वसु गेम करती हूँ, जो मैं ये गेम 4-5 साल से कर रही हूँ, और मैं एक बार पानीपत खेलने गई थी और मेरा मेडल गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद हमारे कोच द्वारा हमें सम्मानित करने के लिए सभी बच्चों को घर पर बुलाया गया था, और मैं घर पे अकेली पहले चली गई थी, जिसमें कोच घर पर अकेले थे, उसने मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की, और उस समय मैंने किसी को नहीं बताया था, और अब मैंने आपको एक शिकायत दी है जिसके खिलाफ़ आपने कार्रवाई बारे कहा था, मैंने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभी खिलाड़ियों में से जिसने कंप्लेंट दी थी उसमें लड़की की 164 की स्टेटमेंट मान्य अदालत में करवाई जाएगी, जैसे ही आगे फैक्ट आते हैं उसके हिसाब से हमें कार्रवाई हम करेंगे। अभी लड़की का मेडिकल करवाया जाएगा कंप्लेंट का, और उसकी 164 की स्टेटमेंट करवाई जाएगी, जैसे फैक्ट हमारे इसमें आते हैं एफ आई आर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आते हैं, तो आगामी कार्रवाई हमें मिलाई जाएगी।